जयपुर से विधायक बंबालाल दिवाकर। सन 2014 से भाजपा से शुरू की थी अपनी राजनीतिक यात्रा। त्रिपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास से बड़ी चुनौती, देखते हैं कैसे कराएंगे विकास। सरकारों और विधायकों ने नहीं किया धरातल पर विकास, बंबालाल दिवाकर सह जनता कांग्रेस। और देखिए कैसे लड़ेंगे बंबालाल दिवाकर अविकास के राक्षस से। सीधी बात सच के साथ कहना, नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। इस बार हमारे साथ सफीपुर के विधायक बंबालाल दिवाकर होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर। आप जिस तरह से हर बार की सीधी बात के कार्यक्रम में एक सवाल तो हमारा पहला रहता ही है कि राजनीति में पदार्पण का कारण क्या था, इस सवाल और इसी सवाल के उत्तर से ही ये मालूम पड़ जाता है कि आखिर इनकी मंशा और आशा जनता की क्या हो, जनता की आशाओं पर खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, और इनकी मंशा क्या है, इनके उद्देश्य क्या है। इन सब बातों के साथ, उन सब बातों के साथ जो जनता जानना चाहती है, उन सब बातों के साथ जो सफीपुर की जनता जानना चाहती है, वहां की धरातल अभी भी जहां विकास की बंजर भूमि पड़ी है, वहां पर विकास की उपजाऊ कैसी फसल उगेगी, इन सब बातों के साथ हम बातचीत करेंगे बंबालाल दिवाकर से बस थोड़ी देर में सीधी बात के कार्यक्रम में। नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हमारे साथ उपस्थित है सफीपुर के विधायक बंबालाल दिवाकर, आइए हम बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। राजनीति में बहुत लोग उतरते हैं तो उनका मकसद होता है, आजकल तो राजनीति में उतरना बड़ा सरल हो गया, होर्डिंग छपा लो, समाज सेवा लिख लो, राजनीति हो गई। आप जब राजनीति में उतरे तो उसके पीछे का मूल मकसद क्या था? पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मंच, माला, तालियां, गड़गड़ाहट और वोट, सत्ता या वाकई में जनसेवा? नहीं, ये मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि जनता के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें जनता को सीधे लाभ मिल सके, और जनसेवा ही मेरा एक मूल उद्देश्य है, और जनता के साथ में जुड़ के लोगों की हर समस्या का, लोगों की हर परेशानी का हल कैसे निकाला। किस सन में आप राजनीति में आ गए थे? मैं 2014 लोकसभा के चुनाव के समय राजनीति में आया था, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला उन्नाव विधानसभा में ही, उन्नाव जनपद में बांगरमऊ क्षेत्र है, वहाँ का रहने वाला हूँ, और मैंने सफीपुर इसलिए चुना क्योंकि वो मेरे यहाँ से नज़दीकी सबसे नज़दीकी सीट थी जो सुरक्षित थी। और मेरा व्यापार विदेश में रहा, लेकिन मैंने शुरू से ही मन बना रखा था कि जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर जनता की सेवा में किसी न किसी क्षेत्र में उतरूँगा, और लोगों की सीधे कैसे उनकी सेवा कर पाऊँ इसकी चिंता मुझे थी। चलिए, अच्छी बात है। 2014 में जब राजनीति में उतरे उस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, निश्चित रूप से राजनीति में उतरे थे उस समय, लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा में भाजपा प्रचंड बहुमत से आई। क्या भारतीय जनता पार्टी आपने इसलिए चुना कि लहर थी, आइए हम चलते हैं और लहर के आने के बाद हम टिकट पा लेंगे फिर विधायक बन जाएंगे? देखिए, ऐसा है ना, जब हमने राजनीति ज्वाइन की थी तब हमें नहीं पता था कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा से हम संतुष्ट थे कि जैसा लोग काम करना चाहते हैं, जैसा मैं चाहता था कि एक ऐसी चिंता हो कि आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे आगे लाया जाए, हमारे अपने लोगों के पास अपनी छत हो, कैसे मजदूर की आमदनी दुनी हो, इसकी चिंता जो पार्टी कर रही थी, इनकी विचारधारा से मैं पूरी तरह संतुष्ट था, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना था। और रह गया टिकट का विषय, तो ये टिकट एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधु और सन्यासी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हमें लगा कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर आगे कुछ करेगा, मेहनत करेंगे, तो शायद पार्टी कोई दिशा निर्देश देगी। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पार्टी तुरंत टिकट दे दे और मैं तुरंत चुनाव जीत जाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी ये जरूर था कि मैं चाहता था कि एक ऐसी विचारधारा से मैं जुड़ूँ, क्योंकि राजनीति एक विचारधारा है, मैं ऐसी विचारधारा से जुड़ना चाहता था कि मैं जनता के लिए कुछ कर सकूँ, और जो पार्टी की सोच है, जो पार्टी की चिंता है, उस विचारधारा पे ही मुझे काम करना था। धरातल पर उसको कैसे लाया जाए इसकी चिंता थी, और मैंने इसीलिए इस पार्टी को ज्वाइन किया। और ऐसी जहां पर ऐसे लोग नेता हों जिनके जो जो 24 घंटे में 20-20 घंटे काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में इस प्रभाव से आप, चलिए बात स्वीकार कर लेते हैं, इस प्रभाव से आप आए भारतीय जनता पार्टी के साथ, चलिए ठीक बात है। लेकिन एक बात है ना कि सफीपुर की जनता, आप बांगरमऊ के रहने वाले, लखनऊ आपका विराजमान है, विदेश में आपका व्यापार बड़ा लंबा है, विदेश से भारत से लखनऊ से बांगरमऊ सफीपुर, कैसे कर पाएंगे संतुष्ट आप? क्या आपकी भी सही वैसी ही बातें रहेंगी
कि हवा में सारी बातें, धरातल पे कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल धरातल पर। अगर विदेश की बात करें तो मैं जब से चुनाव जीता हूँ मैं सिर्फ एक बार 3 दिन के लिए गया हूँ विदेश। मेरा परिवार जरूर विदेश में रहता है, मेरा परिवार समय समय पर आता रह रहा है यहाँ पे, और मैं पूरी तरह अपनी जो जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, जनता ने जो विश्वास जताया है मुझ पर, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का काम करूंगा। और मैं पूरी तरह से, अगर आप बात करें, मैं लखनऊ में जरूर रहता हूं लेकिन मेरी विधानसभा यहां से सिर्फ मात्र 35 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है। मैं प्रतिदिन 10 से 12 घंटे क्षेत्र में रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि अपनी उस जनता से जो पिछले 15 वर्षों में सपा के विधायक रहने के बाद लोगों ने उनके कोई काम नहीं किए, लोग मिलने के तक अगर आते थे तो 2-2 घंटे उनको लग जाते थे विधायकों से मिलने के लिए। मैंने अपना कार्यालय सफीपुर में, मैंने अपना कार्यालय मियांगंज में, मैंने अपना कार्यालय औरास में, 3-3 जगह पे कार्यालय खोला हुआ है। और मैं एवरी वीक, अगर सप्ताह की बात करें तो मैं एक दिन हर कार्यालय पे बैठता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं 12 से 14 घंटे 15 घंटे अपनी जनता के बीच में रहूँ, क्योंकि जनता के बीच में जब रहूँगा तो उनकी समस्याओं से भी अवगत होऊंगा और उनको कैसे आगे, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है उस पर भी मैं चिंता। यानी विपक्षों की वो जो वो बातें कि विदेशी व्यक्ति अगर आकर देश में, हालांकि देशी हैं आप, देशी हैं लेकिन विदेश में व्यापार, फिर लखनऊ में काम, फिर बंगल मुख रहने वाले, तो ये सारे जो विपक्ष के आरोप हैं वो आप मानते हैं कि निराधार, और आप निश्चित रूप से काम करते हैं। अगला प्रश्न, मेरा अगला प्रश्न, क्या लगता है आपको सफीपुर में जिस तरह से पीता वर्ष रहा समाजवादी पार्टी के यहाँ पर, वो राज्य मंत्री भी आखिरी में बनते बनते गए हैं जब उनकी सत्ता गई हो गए, तो क्या लगता है आपको कि वह विकास की भूमि जो बंजर थी आप आएंगे उसे, आप लहराएंगे और उसमें फसल ठीक से होगी विकास की, क्या लगता है? बिल्कुल पूरा जो मेरा, मैंने वैसे भी अपने जनता से संकल्प ले रखा है कि जो 15 वर्षों में विकास नहीं हुआ वो मैं 5 सालों में कराने का काम करूंगा। कौन कौन सी चुनौतियां हैं आपके सामने वहां पर विकास की? देखिए, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ सिंचाई की थी, और सिंचाई की समस्या ये थी कि बहुत पिछले 15 वर्षों से सिंचाई के जो भी टेंडर आते थे सीट सफाई के, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई होती थी। लेकिन इस बार हमारी अपनी केंद्र की सरकार, हमारी अपनी प्रदेश की सरकार में हमारे अपने अगुआ यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने सख्त निर्देश दिए कि इस बार सफाई उस ढंग से होगी कि जहां टेल तक पानी पहुंचे। तो हमारा तो अपना एक नारा है कि हम पानी टेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम खेत खेत पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन समय, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि पुरानी व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हुई थी कि उनको सुधारने में, अगर हम चाहें कि 1 साल में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से सरकार की जो चिंता है उस पर खरा उतरने के लिए हर काम को अच्छे ढंग से, चलिए 1 साल के अंदर नहीं पूरी हो सकती ये बात सब जानते हैं, लेकिन 1 वर्ष में कौन कौन से ऐसे कार्य जो आपने शुरू कर दिए वो तो जरा बता दीजिए। हाँ, शुरू करने की अगर बात करें तो हमारे यहाँ सफीपुर में, सफीपुर की विधानसभा क्षेत्र एक मैंगो बेल्ट की क्षेत्र है, वहाँ पर एक मंडी के लिए मवई ब्रह्मांड में मैंने 8.5 बीघे जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, वहाँ पर एक मंडी बननी है, उसके लिए भी हमने पहल कर रखी है। और दूसरी सफाई, जैसे कि मैंने नहर की बात की तो नहर का पानी टेल तक पहुँच चुका है, ये पहली बार 15 वर्षों में पहली बार हुआ है कि नहर में पानी टेल तक पहुँचा है जी। और दूसरा, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पिछली सरकारों में बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारे समस्याएं रहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको धरातल पर कैसे जल्दी से जल्दी लाया जाए, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सफीपुर एक ऐसी विधानसभा बने कि लोग ये नाम लें कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में, यहाँ की जब सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में सफीपुर विधानसभा का क्षेत्र में अच्छी तरह विकास हुआ, इसी चिंता। अच्छा, चलिए मान लेते हैं, लेकिन सुना ये है कि आप जब से विधायक बने वहाँ का कार्यकर्ता जो बीजेपी का बहुत पुराना कार्यकर्ता था बड़ा नाराज है आपसे, उसके मन में कुछ और मुंह में कुछ और नजर आता है, मतलब आपके सामने कुछ और पीठ पीछे जो बातें नजर आती हैं वो लगता है कि काफी नाराजगी वाला, कि जैसे पीते हुए अभी नगरपालिका का चुनाव हुआ उसमें भी टिकट वितरण और फिर जो चुनाव लड़े वो लोग, वो काफी नाराजगी रही कार्यकर्ताओं में इस विषय को लेकर। देखिए, ये विषय टिकट का विषय जो भी था वो पार्टी का एक आदेश है, संगठन हमारे यहाँ सबसे ऊपर संगठन ही है। कैसे जोड़ के चलेंगे आप जब ऐसी कठिनाइयां? नहीं नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, ये आप लोगों को लग रहा है कोई कठिनाई नहीं है, हमारा कार्यकर्ता कह रहा है थाने में है। बात नहीं सुनी जाती? नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, थाने में सारी बातें सुनी जा रही हैं, जो जायज काम है वो सबके होने हैं, मैं किसी भी नाजायज काम के लिए किसी के लिए भी नहीं कह सकता। तो कार्यकर्ता मेरा बहुत खुश है, कार्यकर्ता नाराज है ही नहीं बिल्कुल, ये आप
को गलत फहमी है, किसी ने गलत आपको बता दिया है, कार्यकर्ता हमारा खुश है और मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलता रहता हूं। अभी मैं एक हफ्ते के अंदर ही एक कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहा हूं, जिसमें अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जो वो सम्मानित कार्यकर्ता जो बूथ की लड़ाई लड़ता है, जो पूरे 5 साल झोला उठा के घूमता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसकी भी चिंता सिर्फ राष्ट्र के हित में है कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे हो और कैसे हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इसकी चिंता हमारा कार्यकर्ता रखता है। इसलिए कार्यकर्ताओं का वो सपा बसपा के कार्यकर्ता नहीं है जिनके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छुपा रहता है, वो चाहते हैं कि हमको टेंडर मिल जाए, हमको ठेका मिल जाए, हमारा पट्टा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही ऐसे सिपाही हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में कैसे हमारे देश को आगे, जो हमारा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अपने देश को कैसे परम वैभव पर पहुँचाया जाए, ऐसी चिंता जब उनकी है तो हमारे कार्यकर्ता इसी में खुश हैं कि हमारे राष्ट्र की चिंता करने वाले, हमारे प्रदेश की चिंता करने वाले सारे लोग बैठे हैं और हम सारे लोग उसी मुख्य धारा में चल रहे हैं, कार्यकर्ता पसंद है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, आप एक व्यापारी रहे, व्यापारी जब राजनीति में उतरता है तो तालमेल बिठाना बड़ा कठिन होता है। व्यापारी ग्राहक मिला, व्यापार आदान प्रदान हुआ, एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हुआ, हो सकता है थोड़े थोड़े पर्दे के पीछे काम हो जाते हैं, वो भी चलो व्यापारी ग्रह है इसलिए, लेकिन जो राजनीति है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, वहां पर दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, बनता कुछ और है, धरातल पर आता कुछ और है, आप कैसे फिट बैठ पा रहे हैं इस पर? बिल्कुल परफेक्ट बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी वजह बताऊंगा कि जो व्यापारी होता है उसमें ये क्षमता होती है कि कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो मैं राजनीति में जरूर नहीं था लेकिन लोगों से जुड़ा हुआ था, और जो पार्टी की हमारी मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा व्यापारियों से मिलती जुलती विचारधारा है, कि व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि अमन चैन रहे, व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि हमारे लोग आगे, जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, वो कैसे आगे बढ़ें, इसकी चिंता हम सभी लोग कर रहे हैं और पार्टी की और बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। बिल्कुल फिट बैठ। अच्छा, अगला सवाल, कल बजट आया पूरे भारत में, विपक्षों का कहना है, खासकर उत्तर प्रदेश के कई विपक्ष में जो जननेता हैं उनका कहना है कि यह बजट गुब्बारे वाला है, फिर फूट जाएगा, कुछ होना नहीं, यानी घर देना और नौकरियां देना, किसानों के लिए 1.5 गुना जो मुआवजा देना, जो फसल का मूलधन देना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं ढकोसला है और धरातल पर आएगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 4 वर्षों में हमारे केंद्र की सरकार, जिसके अगुवा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनकी सरकार ने 4 साल में उन सभी विधायकों का वेतन भी बढ़ा है, सभी चीजों को धरातल पर उतारा। मैं भाई, जब हमारा वेतन बढ़ा है तो हम तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप भी प्रसन्न दिख रहे हैं मुझे। मेरी प्रसन्नता आपके वेतन से बढ़ने से कैसे? नहीं, लेकिन आप प्रसन्न दिख रहे हैं कि हम लोग जब खुश होंगे तो शायद आपको। तो सरकार की जो मंशा है, सरकार ने आखिरी बजट ऐसा बजट लाया है, इतना मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, अपने वित्त मंत्री जी को, कि इतना बढ़िया बजट, जो आखिरी बजट जितना लोगों ने सोचा नहीं होगा वैसा बजट लाने का काम किया है। और धरातल की बात, 4 साल में सरकार ने सिर्फ धरातल पर ही योजनाओं को उतारने का काम किया है, और सरकारों में पेपर में योजनाएं बनती थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सभी को धरातल पर ला के कैसे हमारे गरीब को कैसे जिस सुविधा को जिस तक पहुँचना चाहिए उसकी चिंता की है। और ऐसी बजट ठीक है आपकी बजट। चलिए अगला प्रश्न कर देता हूँ, अब आखिरी प्रश्न, एक आखिरी में ये बता दीजिए कि अब आपको ये करना, आई हैव टू डू दिस, वो आपके मन में है और बता दीजिए कि ये पॉइंट मैं अपने सभी वर्ग के लिए करना चाहता हूँ और करके दिखाऊंगा, वो क्या? सर्वप्रथम तो मैं सफीपुर में एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था दी, हम चाहते हैं कि एक अच्छा डिग्री कॉलेज सफीपुर के क्षेत्र में खुले, जिसमें हमारा जो हमारी पब्लिक है या तो प्राइवेट में कहीं ना कहीं जाती है, जहाँ पे उनका उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फीस ली जाती है, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा डिग्री कॉलेज वहाँ हो जाए। और हमारे यहाँ सफीपुर की जो CSC है उस पर महिला अस्पताल नहीं है, जिसमें हमारी मरीजों को बहुत सारी समस्याएँ ऐसी हैं जिसके सामने उनके आती हैं। अगर हम बात करें कि हमारे उन्नाव में प्रसव के केस जो हैं, डिलीवरी के केस जो हैं, तकरीबन 600-650 होते हैं, वहाँ पर एक बड़ा महिला अस्पताल है, और हमारे सफीपुर का अगर औसतन देखें तो 550 हर महीने डिलीवरी के केस वहाँ भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सही व्यवस्था नहीं है। मैं इसको सुधारने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ के जिस तरह भी हो सकेगा मैं अस्पताल की व्यवस्था, और दूसरा एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था,
और एक फल मंडी की व्यवस्था जो मैंने आपको पहले बताई, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मियांगंज के क्षेत्र में भी इंटर कॉलेज भी बने और बालिका इंटर कॉलेज बने, दो के प्रस्ताव के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो मूलभूत समस्याएं हमारी जनता की है, सड़कें, तो अभी कई सारी सड़कें भी सरकार ने दी हैं, नई सड़कें भी आई हैं, तो हम पूरे 5 वर्षों में पूरी कोशिश करेंगे कि जनता ने जो हमको विश्वास दिया है उस पर मैं कैसे खरा उतरूँ, मुझे चिंता है इस बात की। और मेरी सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम सभी वर्ग का कराएँ, और जनता हम पर जो विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतर पाऊँ, ये मैं कोशिश करूँ। धन्यवाद आपके समय। आज बातचीत हुई बंबालाल दिवाकर से, लगभग वो सारी बातें तो स्पष्ट कर दी इन्होंने कि राजनीति में उतरने के पीछे का कारण क्या था, भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामा था, और क्या करना चाहते हैं सफीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए। हालांकि विपक्ष पर सवाल हमने भी नहीं किया, क्यों पीछे जो काम हुए हैं या आगे जो होंगे उस पर बात करना तो ठीक रहेगा, जो पीछे काम हुए उस पर बहस करना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो इन सब बातों के साथ लगभग साक्षी महाराज के काम पर भी बात कही, और उन्होंने कहा कि 5 साल बीतने दीजिए आपको सांसद काल के, तो आपको हम गिनाएंगे कि काम कितने। खैर आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अवधेश कुमार, साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।